हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं मुरादाबाद पहुंच चुका हूं और ये देखिए रूम लिया हूं छोटा सा जो कि जितनी घनी आबादी है वही उतने जैसे छोटा कमरा है भाई। ये देखिए, मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं लाया था मैं, क्योंकि मुझे रुकना था, क्योंकि मुझे पता था कि यार स्टेशन पर जो है ना रुकने नहीं देते, ठीक ना, सोने नहीं देते हैं, चोरी वोरी होते हैं, इस वजह से पुलिस वाले सोने नहीं देते, जगाते रहते हैं। इस वजह से सोना भी ज़रूरी था। और जैसे कि मैं मेरा ट्रेन जो था काफ़ी लेट था भाई, यहाँ मुझे 1 तारीख को मैं वहाँ से चला था, 1 तारीख को मुझे 9 या 10 बजे पहुँचाना था, और मेरे को 2 तारीख को पहुँचाया सुबह 2 बजे भाई, काफ़ी लेट था, ठीक ना। इस वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाया और 3 साढ़े 3 घंटा इससे सोया हूँ, क्योंकि सुबह आंखें मेरी जल्दी खुल जाती हैं। गांव में रहता हूँ तो वैसे भी जल्दी जग जाता हूँ, वहाँ वहाँ इस वजह से आदत बना भाई जल्दी उठने का। चाहे जितना कम सोऊंगा तो उतनी जल्दी तब भी खुलेगा अपने टाइम से ही। इस वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाया, आंखें भी थोड़ा रेड हैं, कम सोया हूँ इस वजह से। और जो भी मुरादाबाद आए ना तो भाई तो कमरे ले लिया करें, क्योंकि बाहर का कंडीशन मतलब कि थोड़ा ख़राब है, मतलब कि ठंडी है। इस वजह से गर्मी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में तो यहाँ भी बहुत गर्मी लगेगा। ये देखिए, एक ये वाला पंखा है और ये ऊपर है, ठीक है ना। इस वजह से मुझे लेना पड़ा, ठंड बहुत था यार, इस वजह से पिछली बार भी था यही कंडीशन, अब भी है वही कंडीशन। इस वजह से ना क्या है कि लेना पड़ा, दिक्कत कुछ नहीं है। अब यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ मुरादाबाद, और वहाँ कुंदर की, ठीक है ना, दूल्हा पठान जी के पास, तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। और जो भी जैसे भी होगा यार वहाँ दिखाऊँगा, लोगों का भीड़ लगता है कि नहीं लगता है, कोशिश करूँगा, क्योंकि इसे एक झलक तो ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे परमिशन लेना पड़ेगा, लोग तो वैसे भी छिप छिप के आते हैं दवा के लिए। इस वजह से कोशिश करूँगा, एक झलक तो ज़रूर वीडियो बना लूँगा कि हाँ कितनी लंबी कतारें लगती हैं कि नहीं लगती, कोशिश करूँगा। फिलहाल वैसे भी भीड़ लगता है, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, जो पहुँचने वाले जैसे रहते हैं तो पहुँचे आते हैं, जो ज़्यादा दूर में। जैसे मैं जैसे प्रयागराज से आया हूँ, हाँ बीच से, मतलब कि इस वजह से। और अपना कंडीशन बताऊंगा यार, इसके बाद दवा लूँगा, फिर वहाँ से मेरे को 4 बजे 5 बजे लगभग ट्रेन फिर शाम के रहेगा मेरा, तो वहाँ से फिर निकलना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ से निकलने वाला हूँ, देख दिखा दे रहे हैं, और बाहर का व्यू दिखा दे, बहुत छोटा छोटा, ये देखिए मेरा पैर पहुँच जा रहा है भाई, इतना छोटा है मेरा पैर, बिल्कुल पहुँच जा रहा है। और लोगों का कमेंट है यार, देखूँगा और याद रहेगा, जैसे भी मतलब कि वहाँ वीडियो बनाऊँगा अब्दुल्ला पठान जी के पास, तो प्रेजेंट आप माइंड काम करता है भाई, उस समय क्या चीज़ किनका कमेंट है याद है किनका नहीं, मतलब कि क्लिक कर जाता है वही पूछ लेता हूँ। हाँ, सब लोगों को देखूँगा, कोशिश करूँगा यार कि पूछ सकूँ जो लोगों का कमेंट है। फिलहाल तो ज़्यादा कमेंट नहीं है, और कुछ लोग ऐसे कमेंट किए हैं कि यार है, ठीक ना, पहले से वीडियो पड़े हुए हैं, जो लिंक पर पूछे हैं तो वो भी है, वायल ऑयल पर पूछे हैं तो भी है। हाँ, पिछले ही वीडियो में उनके साथ मैं बनाया था, दिखा दे रहा हूँ बाहर का नज़ारा, थोड़ा सा यार बिल्कुल छोटा छोटा कमरा है यार, कोई खास नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल छोटा छोटा, ये बहुत छोटा छोटा कमरा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर सीढ़ी है छोटा सा उतरने का, और इसके बाद यहाँ से अब जाने ही वाला हूँ, मुंह धुल लिया था, फिर से मैं सोचा सोचा कि बता दूँ, और जो भी है वही देखा जाएगा यार। और वैसे भी मैं निकलने वाला हूँ, अब कुछ नहीं है, बस
मोबाइल वोबाइल बस भरना है और कुछ नहीं है। इसके बाद नाश्ता वास्ता वही करेंगे। खाना तो कल लाया था, कल खा ही चुका था, घर से लाया था। और जो भी होगा जैसा होगा यार, बिल्कुल वहीं से पता चल जाएगा कि अब्दुल्ला पठान जी मिलेंगे कि नहीं। मिल फिलहाल तो मिल जाएंगे, पता है मुझे मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तब भी दवा तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई तो जरूर रहता है। चलिए, और थोड़ा बहुत मैं रास्ते का व्यू दिखा दूंगा कि कैसे जाएं कैसे ना जाएं, थोड़ा थोड़ा क्लू दिखा दूंगा। और चलते हैं फिर।